क्या उठा लिया? लगता है तुमने हाथ में चटनी उठा ली। चटनी है क्या? मुझे देना जरा। वैसे तो अपनी प्लेट में सब कुछ हो गया, पूरी भी हो गई, टिक्की भी हो गई, जलेबी भी हो गई। अरे हाँ, गुलाब जामुन रह गया यार। गुलाब जामुन और रख लो प्लेट में। अरे मैं अपनी चटनी नहीं दूंगा मोदी जी, वो कॉर्नर पे चटनी मिल रही है, ले लो जाके। और ये बताओ प्लेट में कहीं पर जगह बची हुई है जो गुलाब जामुन रखोगे? एक बात ये बताओ, कोई देख तो नहीं लेगा आप लोगों को? अपना बिना निमंत्रण पत्र से इस शादी में घुसाएं आपके कहने पर, कुछ होगा तो नहीं? कैसी बेदुखी बात कर रहे हो राहुल, ऐसी जाने कितनी शादी मैंने खाई है बिना निमंत्रण पत्र से। अरे इतने लोग खाने के लिए आते, कौन किसको पहचानेगा? लड़के की साइड वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़की वालों की तरफ से, और लड़की वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़के वालों की तरफ से। कोई किसी को नहीं पहचानता, मैं तो हजारों शादी ऐसी खा चुका हूँ बिना निमंत्रण पत्र से। अरे मेरे तो मुंह में खाना ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ बिना निमंत्रण पत्र से खाने के लिए। कहीं कोई रिश्तेदार ना मिल जाए, पहचान ना ले मुझे। अरे लालू जी, वो तीन लोग कोने में ओवरलोड प्लेट में खा रहे हैं, वो क्या आपकी तरफ से आए हुए हैं? देखो ये मेरे दोस्त के लड़के की शादी है, और उसने मुझसे पूछकर ही सारे लोगों को निमंत्रण पत्र दिया है। ये तीन लोगों को तो मैंने दिलवाया नहीं है निमंत्रण पत्र। लड़की वाले तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी तरफ से आए हुए हैं? देखो योगी जी, लड़की वालों के सारे रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये उनमें तो कोई लग नहीं रहा है। ऐसा करो पास में चल के निमंत्रण पत्र मांगते हैं इनसे, चलो। और भाई साहब पहले ये बताओ खाना कैसा है? राहुल ये खाने को पूछ रहे हैं, यानी कि ये लड़की वालों की तरफ से है। हाँ भाई साहब खाना तो बहुत बढ़िया है। वैसे आप किसकी तरफ से आए हो, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से? अरे वो हम अरे हम लड़के वालों की तरफ से हैं। लड़के के पिता तो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं सारे उनके रिश्तेदारों को जानता हूँ, आपका इनविटेशन तो हुआ नहीं था। अरे राहुल तुम भी जाने क्या क्या बक देते हो, अरे हम लड़की वालों की तरफ से हैं। भाई साहब ये गलत बोल गया जल्दबाजी में, और लड़की के पिता मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ, आप पहले निमंत्रण पत्र दिखाओ। अरे निमंत्रण पत्र तो घर रह गया। अरे हम सब समझ गए तुम्हारी बात को। अरे कम से कम आराम से खा लेते, अगर तुम्हारा निमंत्रण नहीं था, कोई खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा था। आराम से खाओ, तुम भी हमारे मेहमान हो। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दीदी मायावती जी सुबह से शाम हो गई, इन आम को लेकर बैठे बैठे एक रुपए के भी आम नहीं बिके, कोई आम खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा। और ममता दीदी मायावती जी आपको भी पता नहीं क्या दिक्कत है, यहीं पे मेरे पास ही आम की दुकान लगाए बैठी हो। अरे कहीं दूर लगा लेती अपनी दुकान, जब मैं यहाँ पर पहले आम की दुकान लगा कर बैठ गई थी। अरे मोदी जी आ गई, ये आम खाने के बहुत शौकीन है, यही आम खरीदेंगे। मायावती जी आम क्या रेट बेच रही हो? सोनिया जी आपने बिल्कुल सही कहा था, मोदी जी आम तो खरीद रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास से नहीं, मेरे पास से। मोदी जी 10 रुपए किलो आम बेच रही हूँ, ले लो। मायावती जी ये लंगड़ा आम ही तो है, लंगड़ा। हाँ मोदी जी ये लंगड़ा ही आम है, लंगड़ा आम तो खाना आपको बहुत पसंद है। माफ करना मायावती जी, लंगड़ा आम मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो दशहरी आम खाता हूँ। दशहरी आम किसके पास है? मोदी जी दशहरी आम मेरे पास है, इधर आओ। कोई बात नहीं है ममता दीदी, मैं यहीं पे खड़ा पड़ा हूँ, आप रेट बताओ, क्या रेट बेच रही हो ये दशहरी आम? मोदी जी सुबह से एक आम भी नहीं बिका है, अब थोड़ी देर में रात होने लगेगी, और मैं घर वापस आम तो लेकर नहीं जाऊंगी, जिस रेट में ये खरीद कर लाई हूँ आम, उसी रेट में तुम्हें लगा देती हूँ, 8 रुपए किलो खरीद लो इन आमों को। ममता दीदी 8 रुपए किलो का आम का दाम मुझे जच नहीं रहा है, रेट थोड़े और कम करो। सोनिया जी आपके पास आम कौन सा है? मेरे पास तो दोनों तरीके के आम है, लंगड़ा भी है, दशहरी भी है, जो सा भी आम लेना चाहो आप ले लो, मैं आपको दशहरी आम 5 रुपए किलो लगा दूंगी। ममता दीदी, सोनिया जी, मायावती जी, आम में बड़ा कंपटीशन है, मायावती जी ने मुझे आम 10 रुपए किलो बताए, जबकि ममता दीदी ने आम 8 रुपए किलो बताए, और सोनिया जी आप 5 रुपए किलो आम बता रही हो। मोदी जी हम आपको क्या बताएं, ममता दीदी बिल्कुल आपको सही बता रही थी, इन आम को हम मंडी से 8 रुपए किलो ही खरीद कर लाए हैं, लेकिन अब शाम हो गई, इन आम को हम घर वापस बचा कर नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सड़ जाएंगे, इसीलिए जिस रेट में भी बिके बिक जाए, इसीलिए मैंने आपको 5 रुपए किलो का रेट बता दिया, जबकि 8 रुपए किलो मैं मंडी से खरीद कर लाई हूँ, 3 रुपए किलो का घाटा हो रहा है। चलो मायावती जी, सोनिया जी, ममता दीदी, तीनों लोग एक एक किलो आम मुझे दे दो, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, सबके आम खरीदूंगा।
और मैं लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल ट्रेन के अंदर सही तरीके से देख लिया था, कोई सामान तो नहीं रह गया, सब सामान निकाल लिया अपना लोगों ने। अरे मोदी जी, मैं और आप तो पहले निकल आए थे ट्रेन से, पीछे अखिलेश और केजरीवाल है, उनसे पूछो सारा सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे कंबल वाला बोरा तुम्हारे पास है और जो खाने पीने का सामान है उसका थैला मेरे पास है। वैसे मोदी जी, तुम 300 किलोमीटर गांव से दूर लेके आए हो यहाँ पर, मजदूरी यहाँ पर सही तो मिलेगी? राहुल इससे अच्छी मजदूरी क्या मिलेगी, तुम्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा, किराया भी नहीं गया तुम्हारा अपने गाँव से यहाँ तक आने के लिए, वो तो मेरी रेल विभाग में अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए ये मजदूरी मिल गई। वैसे मोदी जी, अपनों को यहाँ पर क्या काम करना है, क्या रेल का इंजन बनाना है? तुम भी योगी जी अजीब बात करती हो, रेल का इंजन बनाने का काम इंजीनियर का होता है, अपना लोग तो मजदूर है, मजदूरी का काम करेंगे? अरे क्यों भाई साहब, लाइन से बाहर क्यों आ रहे हो, लाइन में चलो, लाइन में लाइन लगा के सीधे सीधे चलो प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई साहब, लाइन से ही तो चल रहे हैं हम, लाइन से चल रहे हैं। अरे मोदी जी, इस शहर में तो बहुत शक्ति है, कहाँ पे मजदूरी करने के लिए ले आए, यहाँ पर तो चलने के लिए भी लाइन से चलना पड़ता है, और तुमने बताया नहीं हमें यहाँ पर रेल विभाग में क्या काम करना होगा। अरे लालू जी, बताता हूँ क्या करना होगा, ये जो ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है, जिस ट्रैक पे दौड़ती है, उसी ट्रैक को 20 किलोमीटर तक चेक करना होगा, कहीं पर नट बोल्ट तो ढीला नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। अरे मोदी जी, ये तो बहुत बढ़िया काम है, यानी कि ट्रेन की पटरी को चेक करना होगा कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, ट्रेन जिससे कि सही सलामत चलती रहे। बिल्कुल अखिलेश, तुम बिल्कुल सही समझे, समझ गए तुम मेरी बात को। और मोदी जी, रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी अपनों को, कहां पर रुकेंगे अपना इस टाइम जाकर? अरे केजरीवाल जी, अपनों को रेल विभाग ने रहने के लिए कमरे दिए, उन्हीं कमरों में अपना रहा करेंगे। तो क्या रेल के चलते चलते रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? देखो केजरीवाल, नट बोल्ट ढीले हो ना हो, लेकिन रेल विभाग का काम सुरक्षा देने का है, इसीलिए तो रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट चेक करने के लिए अपनों को रखा है मजदूरी पर। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश, अखिलेश भैया, ऐसा करो तुम, ये सरसों के दाना थोड़ा सा यहाँ पे इसको सरसों का तेल डाल करके अच्छे से इसको पीसो, अच्छे से पीसते रहो, बंद मत करना, जब तक मालिश ना हो जाए जब तक बंद मत करना, फटाफट अगर तेल कम पड़ रहा है तुम्हारे पास तो ये हमारे बोतल में रखा हुआ है, इसे ले लो, उसमें डाल करके फिर मालिश करो, तभी मजा आएगा। और राहुल, तू क्यों झांक रहा है इधर? अरे इधर क्या झांक रहा है? अरे ये होता रहता है आपस में, कभी हम मालिश कभी वो मालिश, ये होता रहता है, तुम इधर मत देखो। होली आ रही है, तुमको पता होना चाहिए कि होली के बाहर में ऐसी चीजें होती रहती हैं। देखो मोदी जी, देखो मोदी जी, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, और इतना हाथ दर्द करने लगा है कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरे हाथ दोनों दर्द कर रहे हैं। इधर तो राहुल ये मेरे हाथों पे अपना सिर रख करके बैठा है, अब तो मैं बिल्कुल भी ये सरसों नहीं पीस सकता हूँ, अगर ज़्यादा लगवाने का मन हो तो मशीन में डलवा कर पिसवा लूँ, मैं कोई इतना मेहनत नहीं कर सकता। अब बताऊँ तुम्हारे साथ आ गया बैठने के, इतना मेहनत, अरे होली मिलने आया हूं आपसे, मिलने ये सब करने नहीं आया हूं, जो तुम्हारे पास आ जाता है उसको ये सब काम करने के लिए बता देते हो, इसीलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आता है। अरे ये बताओ योगी जी, तुम इतना क्यों काम कर रहे हो, इतना मुझे बताओ जरा सा तुम। अरे का करें अखिलेश भैया, का करें, बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब चीज, देखो हमारे भी कभी कभी ये लगता है सरसों लगवाना चाहिए, जिस सब लोग आपस में बैठकर लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये लगाने से तुमको अनेक फायदे दिखेंगे, मैं बताए दे रहा हूँ। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि जो हमारे रंग लगते हैं, गुलाल लगते हैं, वो चिपकता नहीं है शरीर में, इसलिए हम लोग सरसों लगा लेते हैं शाम को बैठ करके, कि सुबह कितनी भी होली खेलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बता दे रहा हूँ। भाई लोग, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब।